डियर स्टूडेंट्स ऑफ जेके एस एस बी फाइनेंस अकाउंट सिस्टम, डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम एक और नया टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन और वी कैन से कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन किसे बोलते हैं? अगर हमारे पास एक फंक्शन होगा वो कब कंटिन्यूअस होता है एट ए पॉइंट, इसी तरह अगर हमारे पास एक फंक्शन होगा वो कब कंटिन्यूअस होगा। डियर स्टूडेंट्स पहले हम डेफिनेशन लेंगे, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, ये हम पहले डेफिनेशन देखेंगे। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, ये हम डेफिनेशन इसका देखेंगे। Dear student, if we have a function, given a function, fx, हम given function ले रहे, is said to be continuous at x equal to a if condition डाल दी, limit x tends to a f of x is equal to f of a। अगर हमारे पास ये रिलेशन सेटिस्फाई हो गया, dear students remember this, if we satisfies this limit x tends to a f of x is equal to f of a, अगर हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई किसी फंक्शन के लिए, एक पर्टिकुलर पॉइंट जो हमने a ले लिया, अगर इस पॉइंट पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, we say that particular function is continuous at that particular point. Remember this. यहां पे हमारे पास fx is continuous at x equal to a. This satisfy. अब ये जो है ये direct exam में पूछे जा सकते definition. If this thing happens, then the function is continuous or discontinuous whatsoever option में आ सकता है. We have here if this is equal to this. What it implies? यहां से हमें इंप्लाई होता है लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है एंड इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। लिमिट जब एग्जिस्ट होता है और वो हमारे पास फंक्शन वैल्यू के बराबर है तभी गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। इसका मतलब जो गिवन फंक्शन होगा, रिमेंबर दिस पॉइंट, जो आपके पास गिवन फंक्शन होगा देन दैट फंक्शन इज नेसेसरली डिफाइंड एट दैट पर्टिक्यूलर पॉइंट, तभी जाके वो कंटिन्यूअस हो सकता है। अगर गिवन फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होगा तभी ये पॉसिबल है, दैट पर्टिकुलर फंक्शन इज डिफाइंड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, रिमेंबर दिस। अब हमारे पास इफ ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट इट्स डोमेन, अगर हमारे पास एक फंक्शन होगा विच इज कंटिन्यूअस throughout the domain, means at each point of their domain, then we say the given function is continuous. The given function is continuous. Remember this, if a function is continuous at each point of the domain of the given function, we say that particular function is continuous function. Dear students, now we see here by an example taking f of x is equal to 3x plus 4. Now we see here this function jo hai kya ye continuous hai at x is equal to say 3 pe, hum dekhenge kya ye 3 pe ye function continuous hai. Now dear students see here, we first find this limit x tends to, we have here a ke badle hamare paas 3 hai, limit x tends to 3, function f of x, it is equal to limit x tends to 3, we have here 3x plus 4, now it is equal to, dear student, it is 3 into 3, as replace x by 3 plus 4, ye hamare paas aa gaya, we have 3 into 3 that is 9 plus 4 that is 13, hamare paas iska limit hoga, ye iska limit।
Now we see the function value of f(x) at x equal to a. Now f of 3, that is function value of the given function at x equal to 3. फंक्शन वैल्यू क्या होगा एट एक्स इक्वल टू 3, वो हम देख लेंगे यहाँ पे. एफ ऑफ 3 इट इज इक्वल टू, फंक्शन हमारे पास है नाउ एफ ऑफ एक्स, हमारे पास है क्या है हमारे पास 3x + 4, रिप्लेस एक्स बाई 3, दैट इज एफ ऑफ 3 इट इज इक्वल टू 3 × 3 + 4, वी हैव हियर 9 + 4, दैट इज 13. क्लियरली वी सी लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 13 एंड एफ ऑफ 3 इक्वल टू 13. This implies that if your limit extends to 3 f of x, it is equal to f of 3. Therefore, this function is continuous at x equal to 3. जब भी आपके पास कोई function continuous देखना होगा, you first find limit. Limit जब आपके पास होगा, फिर हमें क्या देखना है? Function value at that particular point. जब function value भी उसी limit value के बराबर आएगा, तब जाके हमारे पास जो गिवन फंक्शन होगा दैट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. अगर यही कंडीशन सेटिस्फाई होगी हर किसी डोमेन के, डोमेन पॉइंट के लिए, डोमेन वैल्यू के लिए, तब जाके हमारे पास जो गिवन फंक्शन होगा दैट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन. रिमेंबर दिस डियर स्टूडेंट, दिस इस तरह ये डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन एट ए पॉइंट कंप्लीट हो गया. डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाले हैं फॉर द सेम टॉपिक, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन. डियर स्टूडेंट, इससे पहले की वीडियो का इख्तिताम कर लें, सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो शेयर कर लेना ताकि दूसरे बच्चे भी इनसे इस्तेमाल हासिल कर सके. थैंक यू, हैव अ नाइस डे.